सो फाइनली गाइज मैं हूँ अभी शमीद भाई के ऑफिस के अंदर, और भाई ने ना जो उस दिन हम गए थे ना गुरुग्राम, लाइट जला दी भाई ने तो भाई उस दिन जो हम गुरुग्राम गए थे ना, और वहाँ पर एक मशीन मैंने आपको दिखाई थी, अभी उस मशीन की ना अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये अनबॉक्सिंग का वीडियो होने वाला है और आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो गाइज कम ऑन लेट्स अनबॉक्स दिस। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले क्या मशीन है, क्या चीज़ है, और इसके बारे में मैं पूरा आपको भाई एम्बुलेंस, तो भाई इसके बारे में पूरा आपको ना इलेबोरेट कर देता हूँ, सारी डिटेल दे देता हूँ कि ये क्या मशीन है, क्या इसका वर्किंग है, कैसे ये इतनी फेमस है कि भाई को इसकी ज़रूरत पड़ जाती है बार बार। सो गाइस कुछ ऐसा ये कार्टन है, ये बेसिकली इट इज़ अ 3D प्रिंटर, ओके, इट इज अ एल्गो 3D मैक्स प्रिंटर फॉर 420x420x500 प्रिंटर प्रिंट एरिया। लेट्स गो। सो भाई पैकिंग तो काफ़ी अच्छी कर रखी है। अब बेसिकली ना ये वाला जो प्रिंटर है ये जस्ट अभी इम्पोर्ट हुआ फ्रॉम चाइना से भाई, ये जस्ट अभी इम्पोर्ट होके आया है, और अभी हम आपको दिखाते हैं। ये कुछ ऐसा है, अभी ये इसके साइड के जो वर्टिकल्स हैं, स्टैंड वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें हैं। वन बाय वन इसको पहले ओपन कर लेते हैं, फिर आगे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये इसका ना मैनुअल है, मतलब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या फंक्शंस हैं, उसके बारे में बताया। और ये देख सकते हैं ये इसका बैक साइड है मैनुअल का, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का है। और ये भाई इसके साथ एक आती है यूज़र मैनुअल नेपट्यून 3 मैक्स 3D प्रिंटर की, ये गाइड। ये भाई अभी इसको फिर सारा बॉक्स से बाहर निकाल रहे हैं और फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। प्रिंट प्लेट है ये भाई, इसका है प्रिंट प्लेट, इसी के ऊपर सारे डिज़ाइंस वगैरह सारी चीज़ें जो भी आप प्रोटोटाइप बनाएंगे वो इसी के ऊपर प्रिंट होगा। ये इसकी स्क्रीन है, ये इसकी स्क्रीन है, ये मैंने स्क्रीन पकड़ लिया जो इससे अटैच होगी। भाई देख रहे हो पैकिंग, देख रहे हो क्या ज़बरदस्त पैकिंग है भाई। अभी मैं आपको आगे वीडियो में सारा बताऊंगा कि ये क्या कॉस्ट करा है, क्या चीज़ कितना का पड़ा है, कैसा है। तो अब इसको असेंबल करते हैं गाइस। ये भाई इसका जो पूरा जो आउटर बॉडी है अदर देन प्लेट, तो ये वो सारी चीज़ें इसको यहाँ से पहले अनबॉक्स कर रहे हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके से ये प्रिंटर के ऊपर लग जाता है, देख रहे हो ऐसे ये खड़ा हो जाएगा। हॉट एंड है ये, इसका हॉट एंड है भाई, और ये इसके एक्सिस है। ज़्यादा इसमें कुछ असेंबली के लिए है नहीं, बट इसके मेरे को स्क्रूज नहीं मिले, मैं पकड़ूंगा। ये भाई अदर एसेसरीज जो इसके साथ अभी अभी हम अपने को बॉक्स में मिली है, तो वन बाय वन इनको यूज़ करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं प्रिंटर को। ये भाई यहाँ पर स्क्रू वगैरह लगाते हुए, ये स्क्रू लग रहे हैं इसमें, ये देख रहे हो जो इसके साथ ये स्क्रू पड़ा है नीचे। अभी आज हमारी इंजीनियरिंग सफल हो गई है जो कि हमने करी नहीं है, ये देखिए हो गई है क्योंकि हमारे को 3D प्रिंटर तो लगाना आ ही गया, मेरी मम्मी का सपना था मैं इंजीनियर बनूं। तो फाइनली भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी क्योंकि एज पर हिम ये आज इंजीनियर बन गया ना, तो ये अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई। ये लो भाई जो अभी हमने स्क्रू लगाए थे ना भाई, अभी ये स्क्रू के साथ ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज अभी आप देख सकते हो, देखो ये वाले नट स्क्रू हम यहाँ पर हो चुके हैं टाइट और ये यहाँ पर लग गया। अभी ये नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये यहाँ पर अभी अपने को ये अब टाइट करना है, ये उस तरफ। सो गाइस थोड़ा सा ना मैं आपको इस प्रिंटर के बारे में भी इलेबोरेट कर देता हूँ, इसका इंस्टॉल तो पूरा दिखा ही रहे हैं बट थोड़ा सा प्रिंटर के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ये जो है ये 3D प्रिंटर है और ये नेपच्यून मैक्स 3D प्रिंटर है एलिगो कंपनी का, और ये अभी इसकी बात करें तो ये वन ऑफ दी लार्जेस्ट प्रिंटर है इन इट्स सेगमेंट, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अभी ये बिल्कुल नया है और इसीलिए अभी यहाँ पर इतना अनकॉमन होने की वजह से हमने इसको इम्पोर्ट भी किया है। अब बात कर लेते हैं कि ये काम क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग क्या है,
इसका मतलब यूसेज क्या है। तो मैं एक थोड़ा सा आपको एक डेमो पीस दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप मेरे हाथ में जो है, ये एक प्लास्टिक का पार्ट है जो कि एक प्रोटोटाइप है। ये भाई इस तरीके का, ये तो एक जस्ट एक डिज़ाइन है। आप एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन आप इससे बना सकते हैं, इस वाले प्रिंटर से ही, यूजिंग दैट फिलामेंट। फिलामेंट भी मैं आपको भी दिखा दूंगा वो किस तरीके का होता है, किस तरीके के साइज़ में आता है। ये भाई ने मेरे को दे ही दिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, कुछ इस तरीके का है, दिस इज़ द फिलामेंट। ये थोड़ा और क्लियर करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये है भाई, इस तरीके का ये फिलामेंट होता है। इस फिलामेंट को यूज़ करके आप ऐसा कोई भी प्रोटोटाइप जो आपको डिज़ाइन करना है, आपको बनाना है, कुछ यूनिक बनाना है, तो वो सब आप बना सकते हैं भाई थ्रू दिस प्रिंटर। ये इसका फंक्शन है। अभी देखो भाई, वीडियो में ना रिकॉर्ड साउंड अच्छे से रिकॉर्ड हो जाए ना, इसलिए भाई यहाँ पर हमने अभी ओनली फैन ओपन कर रखे हैं, एसी वगैरह सब बंद करा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई फिर साउंड ज़्यादा आ रही थी, विंडो एसी है इधर की साइड, और फिर रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं हो पाता। और ऊपर से जस्ट बिल्कुल ना मेन रोड पे ऑफिस है भाई का, तो साउंड बहुत आता है यार बाहर से ना, इसलिए अभी बंद करके रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत मेरे को स्वेटिंग वगैरह हो रही है, तो काम चला लेना आप। सो भाई एक बार आपको प्रिंटर की दोबारा से लुक दिखा दूँ। ये देखो भाई, ये अभी ये वाला पार्ट इंस्टॉल हो चुका है, और कैसे इंस्टॉल हुआ है मैंने आपको दिखाई दिया, जो स्क्रू हमने इसमें टाइटन करे हैं। अभी इसकी ये वायर को इंस्टॉल कर रहे हैं। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना, ये भाई है एक्सट्रूडर। इसका सबसे ज़्यादा मेन फंक्शन है इस प्रिंटर के अंदर को पार्ट में कन्वर्ट कर। देखो अब भाई, ये ही है जो वो फिलामेंट मैंने अभी आपको दिखाया था ना, वो इसी के थ्रू प्लास्टिक पार्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये एक तरीके से काइंड ऑफ मदरबोर्ड आप लगा लो इसका। भाई ये एक और फिलामेंट यहाँ पर रखा था, तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ कि भाई के पास पहले से था। ये देखो भाई, कुछ इस तरीके का है भाई। ये होता है फिलामेंट, ये जाता है ऊपर उस प्रिंटर में, और वो फिर ना मेल्ट करके कुछ इस तरीके के आपको पार्ट्स बना के दे देता है। जो भी डिज़ाइन आप उसके अंदर डालते हैं, उसको कमांड देते हैं इस तरीके का। ये एक जस्ट सैम्पल प्रोटोटाइप्स यहाँ पर पड़े हैं, बाकी इस तरीके का कुछ भी डिज़ाइन आप प्लास्टिक में इससे निकाल सकते हैं। और गाइस, जो ये नीचे की तरफ आप ये पूरी प्लेट देख रहे हो ना इस प्रिंटर की, भाई इसको बोलते हैं हॉट बेड। ये इस प्रिंटर का हॉट बेड है। ये ही मतलब आफ्टर दिस एक्सट्रूडर ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है। इसी के ऊपर, इसी के फ्रेम साइज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्रोटोटाइप इसके साथ ले सकते हो। सो गाइस, जो ये वाली केबल थी ना, ये हमने इसको इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पर। ये देखो इस तरीके से, एक तो लग गई वहाँ एक्सट्रूडर के अंदर, और जो इसके साथ जो इसके अंदर ये थी भाई वायर्स, वो एक यहाँ पर अटैच हुई है और एक यहाँ पर अटैच हुई है इस जगह पे। और भाई ये है एक इसके साथ जो मिली है हमें, ये है सपोर्ट रॉड। अभी इसको फटाफट इसकी पॉली खोल लेते हैं और फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। और ये देखो भाई, ये जो हैंडल था ना, इसके ऊपर ही फिलामेंट यहाँ पर रोल लगेगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है इस तरीके से। और गाइज, इसकी ना ये स्क्रीन भी भाई इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पर, देख रहे हो। और ये भाई मैग्नेटिक है, ये देख रहे हो, ये देखो। सो गाइस, जो वो दो रॉड्स मैंने आपको दिखाई थी, वो देखो इधर ये सपोर्टर रॉड्स, ये एक लग गई है और ये दूसरी तरफ ये लगी हुई है। ये दोनों सपोर्टर रॉड इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। और फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है ये 3D प्रिंटर, देख रहे हो। सो भाई, फिलहाल हमने ना प्रिंटर को रख दिया इधर नीचे, और ये टेबल के ऊपर रख दिया हल्का ग्लास, जिससे कि एकदम फ्लैट पोर्शन हमारे इस प्रिंटर को मिले। सो गाइस, फाइनली अभी हम इसको ना ऑन करने वाले हैं, एंड हेयर वी गो, 1, 2 एंड हेयर वी गो, 3। देख रहे हो भाई, ये अभी ऑन हो चुका है। और अभी इसमें ये है भाई अपनी स्क्रीन, सो गाइज अभी अपने को ना वाई स्क्रीन इसको लेवल करना है, ठीक है। और इनके अंदर इसके सारे ऑप्शंस आते हैं, फिलामेंट डिटेक्टर, लाइट कंट्रोल, फैन कंट्रोल, मोटर, लैंग्वेज, टेम्परेचर सेटिंग। बाकी प्रिंट के लिए भी है, आप जब इसके अंदर अपना प्रिंट डालोगे तो ये प्रिंट का आपको सारा कुछ प्रिंट में दिखाएगा। सेकेंड हमारे पास प्रिपेयर है, अगर आपको इसको मूव करना है 1 mm
10 mm किसी भी एक्सेस में, तो ये साथ में इससे मूव हो सकता है। जैसे अब वहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे आ रहा है 10 mm। ये देखो भाई, जैसे वहाँ कमांड देते हैं, ये देखो भाई इधर अभी हम यहाँ से कमांड दे रहे हैं, और अगर हम इसको होम करते हैं तो ये इसकी होमिंग पोजीशन है। ये इसकी होम पोजीशन है, ये अपनी होम पोजीशन पे चला गया है, ये आ गया और ये आ गया भाई। सो गाइस ये टोटली अपनी होम पोजीशन पे पहुंच चुका है, देख रहे हो, ये देखो भाई ये प्रॉपर अपनी होम पोजीशन में पहुंच गया है। और अब इसके अंदर फिलामेंट को डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं। सो गाइस ये हमने इसका पॉली हटा दिया है और अभी इसको इंस्टॉल कर रहे हैं फिलामेंट को। ये देखो गाइस कुछ इस तरीके से ये फिलामेंट लगता है यहाँ पर, और अभी ये जो फिलामेंट वायर है ये अभी आप देखो इसको अभी हम लगाएंगे एक्सट्रूडर के अंदर। ये गाइस इस तरीके से हमने यहाँ से इसके सेंसर से ये पास कर दिया और अब ये लगेगी एक्सट्रूडर के अंदर। सो ये गाइस एक्सट्रूडर में जा रही है फिलामेंट वायर, ये भाई चली गई। हल्का सा हमने इसको प्रेस किया है, इस चीज़ को हमने थोड़ा सा प्रेस किया और फिर वो नीचे चली गई है। और गाइस यहाँ पर हमने लगाया है मेमोरी कार्ड को जिसके अंदर हमारी फाइल थी। फंक्शन इसका स्टार्ट हो गया है तो ये पूरे बेड को अब ऑटो लेवल करेगा चारों तरफ से, और फिर इसके बाद हमारे जितने भी प्रिंट आएंगे वो परफेक्ट एकदम लेयर हाइट 100 माइक्रोन्स के हिसाब से आएंगे। तो ये भाई ये पूरे बेड को एक बार ही लेवल कर रहा है, देख रहे हो। सो गाइज ये देखो स्क्रीन में ये शो भी कर रहा है, ये सारे इसके बेड को ना लेवल कर रहा है और ये सारे पैरामीटर्स यहाँ शो कर रहा है। सो गाइज फिलहाल ना ये लेवल हो चुका है और अब ये जो इसका बेड है ना ये देखो भाई ये हीट हो रहा है और ये हीट होता है 140 डिग्रीज तक, और जो ये इसका एक्सट्रूडर है ना इसके अंदर जो हीट है ना वो आएगी 240 डिग्रीज तक। तो भाई ये हीटिंग इसकी कंप्लीट होने के बाद इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट होएगी। अब फिलहाल बात कुछ ऐसी करते हैं कि भाई हमने यही प्रिंटर क्यों चूज़ करा। तो भाई इसका अगर मैं एक्चुअल जो प्रिंटिंग साइज़ बताऊं, जो इसकी डायमेंशन है तो वो है भाई 430x430x500। तो भाई इस कैटेगरी का और इतनी मतलब डायमेंशन के साथ जो प्रिंटर्स आते हैं इंडस्ट्री के अंदर उनका कॉस्ट अराउंड होता है 5 लाख के आसपास। बट ये जो प्रिंटर हमने चूज़ किया है ना इस ब्रांड का एलिगो का, ये भाई अपने को कॉस्ट किया अराउंड 50K, मतलब 50,000 का। बाकी 3-4 हज़ार रुपये हमारे एक्सप्रेस डिलीवरी चार्ज लगे हैं चाइना से यहाँ पर इंपोर्ट करने के। और इस सेगमेंट का मतलब प्रिंटर इससे बेस्ट, चीप एंड बेस्ट रेंज है ये बेसिकली। इस प्रोडक्ट को ना आप चीप एंड बेस्ट बोल सकते हैं क्योंकि इस रेंज और इस सेगमेंट के अंदर ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये काफ़ी डिफरेंट है भाई और यूनिक है भाई। हमें लगा था इसने लेवल कर लिया है बट नहीं, लेवल हुआ नहीं है। अभी ये देखो 9 पे है और ये 63 तक जाएगा भाई। टोटल 63 लेवल्स हैं इस बेड के, जब ये कंप्लीट कर लेगा उसके बाद ये स्टार्ट होगा गाइज। फिलहाल ये अभी देखो 11 पर पहुंच चुका है और ये पूरा जो आपको ये मिलता है ना स्क्रीन, ये टोटली टच स्क्रीन है। सो गाइज आफ्टर बैलेंसिंग ना अभी ये प्रिंटर शो कर रहा है कि आपको थोड़ा सा उसके अंदर ना आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो भाई अभी वही कुछ सेटिंग्स कर रहे हैं बेड की, है ना। तो अभी ये जैसी कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज सेटिंग अपनी कंप्लीट हो चुकी है और अब भाई स्टार्ट कर रहे हैं इस पर, कोई एक प्रोटोटाइप आपको बनाकर दिखाते हैं। अभी इसमें हमने कमांड तो दे दी है और आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई ये स्टार्ट कर रहा है प्रोटोटाइप को बनाना, स्टार्ट हो चुका है और ये आपको नज़र आ रहा होगा ये बिल्कुल काइंड ऑफ CNC की तरह, ये देखो देखो भाई काम कर रहा है। और ये भाई ये अपना प्रोटोटाइप बनकर आ चुका है एंड हमारा इंस्टॉलेशन इज़ कम्प्लीट नाउ। सो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता कि आप थोड़ा सा भी अगर अंदाज़ा लगा सकते तो लगा लो गाइस। अराउंड इट्स 2 AM, इट इज़ 2 AM गाइस, और अभी मेरे को ना एडिटिंग भी करनी है और फिर सुबेरे ऑफिस भी निकलना है। तो आप इमेजिन कर सकते हो भाई कितनी मेहनत कर रहा है आपका भाई। तो भाई प्लीज़ अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो डू
लाइक द वीडियो, और अगर चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई, और आपके भाई की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कि हमारी फैमिली बढ़ी और हम ऐसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छी अच्छी लोकेशंस, ट्रैवल लोकेशंस कवर करके आप लोगों को दिखाते रहें, लाते रहें आप लोगों के लिए। और इसी के साथ गाइज़, आपके भाई की इंस्टा आईडी है कीपिंग योर लाइफ 05, भाई प्लीज़ वहाँ पर जाकर फॉलो कर लो, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं सब उसी के ऊपर आते हैं सबसे पहले। तो भाई मिलता हूँ दोबारा आपसे कल एक नए दिन की शुरुआत के साथ, एक नए ब्लॉग में। टिल देन।